अमेरिका में इसे जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से, कॉमनली इन्हें जाना जाता है बेसिक राइट्स के नाम से, पर इंडिया में हम इन्हें जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो साथियों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक राइट्स के नाम से जाना जाता है उसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसमें हम छह फंडामेंटल राइट्स को पढ़ चुके थे और ये भी पढ़ लिया था कि फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर स्थित है, उसको कहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान जो भारतीय संविधान है उसमें भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक स्थान दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को। ये बताया गया था कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को, अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्रभावित है अमेरिका के संविधान से। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे यही अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है कौन सा अनुच्छेद क्या कह रहा है, इस पर पूरा विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। ये YouTube पर पहली क्लास ऐसी होगी कि जहाँ पर आपको पूरा नोट के साथ लेक्चर भी प्रोवाइड हो रहा है। तो इसमें हम जैसा आप देख पा रहे हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन, इसमें हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये आपका अधिकार है संविधान के अनुसार, संविधान कह रहा है कि कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, वो चाहे कोई भी हो। उसके बाद हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अनुच्छेद 15 है, वो कह रहा है इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक से जाति लिंग धर्म वंश स्थान तथा किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, देश के सभी नागरिक समान हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि समानता या समता का अधिकार जो है वो हमारे सिमिलैरिटी की बात करता है, हमारे समान होने की बात करता है कि कोई भी लिंग जात के तहत कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करता है। ये सब चर्चा की गई है अनुच्छेद 14 और 15 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 का चार, जो 15 का को एक भाग में और बांट दिया गया है जिसका नाम दे दिया गया है अनुच्छेद 15 चार। तो अनुच्छेद 15 का चार है, इसके अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज जो एससी एसटी के लिए आरक्षण हैं, पिछड़े के लिए आरक्षण है, उनके लिए बात अनुच्छेद 15 चार में की गई है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे, ऐसा अनुच्छेद 16 कह रहा है। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि कोई भी पद है उसके लिए सभी नागरिक समान रूप से पात्र। इसी अनुच्छेद 16 का तीसरा पार्ट, यानी अनुच्छेद 16 को और पार्टों में बांट दिया गया है। तो अनुच्छेद 16 का जो तीन है वो कह रहा है कि इसके अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। मतलब निवास संबंधी शर्त की जो बात की गई है वो बात की गई है अनुच्छेद 16 के तीन में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अनुच्छेद 16 के तीन में बात की गई है निवास संबंधी शर्त की। आगे अनुच्छेद 16 का चार कह रहा है कि देश पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, यानी जो देश के पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है अनुच्छेद 16 के चार में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 17, 18 और 18 का दो के बारे में, क्योंकि जो हमारा पहला समानता और समता का अधिकार है, समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 17 कह रहा है
कि अपरिचिता व छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 17 के अनुसार जो छुआछूत और अपरिचिता का केस था उसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कुछ अपवाद हैं जो आजकल भी मान रहे हैं छुआछूत का, लेकिन अनुच्छेद 17 उसको पूरी तरह से समाप्त कर चुका है। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि मतलब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंतिकरण कर दिया गया है, यानी जो उपाधियां थीं जो अवार्ड मिलते थे उसको समाप्त कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। इसमें ये बताया गया था कि उपाधियां केवल के और केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में मान्य होंगी, बाकी किसी भी क्षेत्र में कोई अवार्ड कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत कहाँ हुआ? उपाधियों का अंत हुआ अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों के अंत का। अब अनुच्छेद 18 का जो दूसरा है, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 का दो कह रहा है कि कोई भी विदेशी अवार्ड कोई या कोई भी विदेशी पुरस्कार भारत का नागरिक तब तक नहीं ले सकता जब तक उसको राष्ट्रपति की यानी अपने देश के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बीच में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था 1977 में। तो ये नोट करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न समाप्त कर दिया था, ये कहकर कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने भारत रत्न को पुनः चालू कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि 1977 में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत रत्न को समाप्त कर दिया था यह कहकर कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब पुनः सरकार बनी 1980 में इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने उसको फिर से चालू कर दिया। किसको? भारत रत्न को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन रहा है कि भारत रत्न को कब बंद किया गया? तो भारत रत्न को 1977 में बंद किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पुनः चालू कब किया गया? 1980 में चालू किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। और आगे जो हमारा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 19 जो है वो कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं, यानी इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रताएं थीं लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही बची हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो वर्तमान में 6 हैं, जबकि मूल संविधान में 7 थीं। तो 19 इसको बांट दिया गया, 19-1, 19-2, 19-3 करके ऐसे बांट दिया गया है। तो 19 का 1 कह रहा है कि इसके अंतर्गत प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मीडिया के लोग होते हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो कहीं भी अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कह रहा है इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी जो भारत का तिरंगा या किसी भी देश के जो लोग हैं वो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। अगला पॉइंट है जो है वो कह रहा है कि संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है वह सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा सकती है जो किसी अपराध के लिए किसी को उत्तेजित कर रहे हों, उनके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 19-1 के अनुसार। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 19 का 2 कह रहा है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिक को जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, यानी जो देश के नागरिक होंगे वो बिना हथियार के जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हथियार वगैरह शामिल ना हो। लेकिन एक बात और बताई गई है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति माहौल को बनाए रखने के लिए सरकार इसको सीमित कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 19 का 3 कह रहा है कि भारतीय
नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी देश का जो नागरिक है वो संघ या संगठन बना सकता है, लेकिन जो लोग सैनिक हुए, सैनिक मतलब आर्मी में जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको ऐसी कोई भी छूट नहीं दी गई है अनुच्छेद 19(3) के तहत। अनुच्छेद 19(4) कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता है। मतलब अनुच्छेद 19(4) कह रहा है कि हम देश के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में अस्थायी निवास की स्वतंत्रता, यानी हम देश के किसी भी क्षेत्र में जाके निवास कर सकते हैं। अगला है 19(6), कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हो, वो लीगल होना चाहिए। नोट, अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय समाप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 जो है ये प्रभावी नहीं होता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। ये भी बात बताई गई है भारतीय संविधान के भाग 3 में। अगला अनुच्छेद 20 कह रहा है कि इसके तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भी पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, फिर हमें निर्दोष साबित करती है, कैसे हम निर्दोष साबित होते हैं, वो सारा प्रोसेस बताया गया है अनुच्छेद 20 में कि कोई जैसे पुलिस है वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी, क्या कर सकती है क्या नहीं करेगी, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया सारा। तो अनुच्छेद 20 का मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें पहला पॉइंट जो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वो कानून का उल्लंघन किया हो। मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसे सिद्ध मतलब यह प्रूफ ना हो जाए कि उसने वो अपराध किया है, यानी उसने कानून का उल्लंघन किया है। अगला पॉइंट कह रहा है किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, यानी आपका अपराध जिस लेवल का है आपको सजा भी उस लेवल की मिलेगी, ये अनुच्छेद 20 कह रहा है। अनुच्छेद 20 का अगला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। मतलब आप एक अपराध एक बार की हो तो आपको दंड भी एक बार ही मिलेगा, ये नहीं कि एक ही अपराध का आपको बार बार दंड दिया जाए, ऐसा भारतीय संविधान में नहीं है कि एक ही अपराध का आपको बार बार दंड दिया जाए। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि एक अपराध का आपको एक बार केवल दंड मिलेगा, एक से अधिक बार एक अपराध के लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो आप अनुच्छेद 20 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो ये है फंडामेंटल राइट्स, इसका संरक्षण किसी राज्य के द्वारा नहीं होता, इसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, इसका संरक्षण जो है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ़ बोलो, ऐसा किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। अगला अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का ये एक पार्ट और है, उसमें बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ये में बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों उनके सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा अनुच्छेद 21A में बताया गया। अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं, ये ध्यान रखा। अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय बंद हो जाता है, मतलब वो प्रभावी नहीं होता, लेकिन जो अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 होते हैं ये आपातकाल के समय भी लागू होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अनुच्छेद 21 ये बता रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 22।
अनुच्छेद 22 कह रहा है निवारक निरोध अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, मतलब आपको बिना कारण बताए बिना कोई नोटिस भेजे आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगला कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा एवं बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह संरक्षण किसी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है। मतलब कहने का मतलब है अनुच्छेद 22 के कि कोई भी पर्सन या कोई भी पुलिस आपको तब बिना नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी का कारण बताए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अगर वो ऐसा करती है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो न्यायालय जाके। और अगला पॉइंट कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा 24 घंटे से ज़्यादा वो थाने में, जैसा कहा गया ना कि थाने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते आपको, तो जो भी निकटतम न्यायालय होगा वहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं ये सब, ध्यान दीजिएगा, ये सारे जीवन से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 22 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारण बताए बिना आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है, उस पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि इसके अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात्श्रम प्रतिबंध लगाया गया है, मानव की खरीद फरोख्त व उससे बेकार लेने की गैर कानूनी व दंडनीय घोषित किया गया है। मतलब बेगार, बेगार का मतलब जानते हैं बिना विदाउट पे उससे वर्क लेना, मतलब समझ लो बुला के काम करवाओ फिर कोई पैसा भी ना दो, उसको बेगार कहते हैं। तो बेगार जो है, बेगार जैसा वर्ड वो संविधान में दंडनीय बताया गया है और उसको गैर कानूनी बताया गया है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों का संरक्षण कर रही है, जिसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसा काम जो जोखिम भरा हो। मतलब यहाँ कि कोई काम नहीं करवाना चाहिए 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को, क्योंकि इनको जो है सरकार द्वारा फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चौथा जो कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में वर्णित है। माफ कीजिएगा यहाँ पर 3-3-2 बार लिख गया है, तो ये 3 नहीं ये 4 है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। मतलब आप हिंदू धर्म मानते हो तो हिंदू धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, अगर आप मुस्लिम धर्म मानते हो तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सकते हो, जो भी धर्म आप मानते हो उसका प्रचार कर सकते हो, ऐसा अनुच्छेद 25 में बताया गया। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है, ऐसा भी बताया गया अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना व उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, जिसे कहते हैं ना चंदा मांगना, तो ये चंदा वाली बात अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है इसका, कि अगर आप कोई टीम बनाते हो जिससे धार्मिक कार्य हो रहा है या कोई संस्था आप चला रहे हो जिसने लोगों का हित हो रहा है तो आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 26 में बताया गया। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण के हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 27 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण के हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 27 में वर्णित है। तो 27 इम्पॉर्टेंट है,
अनुच्छेद 28 कह रहा है कि इस राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करवाई जाएगी, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 28 में। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा पांचवा मूल अधिकार है वो है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो अनुच्छेद 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 29 हमारे भाषा और हमारी लिपि का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान मतलब प्राइवेट स्कूल खोल सकता है, ऐसा अनुच्छेद 30 में वर्णित है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 31 का। तो अनुच्छेद 31 में वर्णित था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो अब मूल अधिकार से हटा के मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस मौलिक अधिकार को वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में स्थापित करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारे मौलिक अधिकार से हट चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार शामिल था, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था और 44वें संविधान संशोधन 1978-1979 द्वारा मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 का में स्थापित करके एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया, इसको संपत्ति के अधिकार को। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अनुच्छेद 32 को, जिसमें वर्णन है वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें जितना मैंने पहले मूल अधिकार बताया, इससे पहले पीछे जितना भी मूल अधिकार पढ़े यानी फंडामेंटल राइट पढ़ा, अगर उसका शोषण होता है, उसका हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिट जारी करने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये 5 रिट जारी करती हैं, जिससे हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण हो सके, वो सिक्योर रह सके। इसके लिए तो चलिए ये 5 रिट क्या क्या हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। 5 रिट में हमारा पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसको जानते हैं हम। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिएगा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है। यह प्रलेख निजी व्यक्ति, संगठन एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। तो ये रही हमारा पहला रिट, जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जारी करता है, किसके लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, जिसमें पहला रिट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं और अगली रिट जो जारी है वो है परमादेश। परमादेश के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। सिर्फ राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध यह लेख जारी नहीं हो सकता, यानी जो परमादेश है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होता। और इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ
न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। तो ये दूसरे रिट हुआ जिस जो है परमादेश। अगले रिट की बात करते हैं। अगला रिट जो है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध बताया गया है कि यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण का प्रयास करते हैं। यानी न्यायालय के ऊपर भी प्रतिबंध है, न्यायालय के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके। और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की गई है, जिसमें तीसरा रिट है प्रतिषेध। चौथा रिट जो है वो बता है उत्प्रेषण। चौथा है उत्प्रेषण, और इसके अंतर्गत कोई अधिकारी या निचली अदालत बिना किसी आदेश या अधिकार के कोई भी कार्य करती है, तो न्यायालय इस मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेज देता है। यानी अगर बंदा जैसे कोई दायर करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहाँ मुकदमा फाइनल नहीं होता है, तो क्या होता है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है। तो ऐसी बात बताई गई है उत्प्रेषण में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे रिट हैं, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। तो अगला जो है और फाइनल है वो है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है, तो उसे इसके द्वारा रोका जाता है। यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पूर्ण आश्वस्त हो जाता है कि अधिकार का दुरुपयोग कहाँ हुआ है। तो ये 5 रिट्स थी जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, जो जारी किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथियों, आज का लेक्चर हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद हर एक अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की, कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, ये सारी बातें बताई। और अगर इससे हटकर कुछ समझ में आपको नहीं आता है या कुछ जानकारी आपको और चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछिए। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का सही सही जवाब दूंगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।